अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक भव्य और एक जागरूकता कार्यक्रम यहां कोर्ट परिसर में आयोजित किया गया। शोपिया के प्रिंसिपल और सेशन जज काइडर ई आजम ने सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ फंक्शन का उद्घाटन किया, जिसे एक्सेड और डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा रही और अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा विभिन्न प्रस्तावों को पारित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ, शोपिया। It gives me an immense pleasure that I have been given an opportunity to speak upon the topic Women's Day. Today we are here for the celebration of International Women's Day. कि हम अगर यहाँ की बाहर स्ट्रेंथ ही देख ले, जहाँ इस इंस्टीट्यूट में हम काम करते हैं, तो मुझे भी लगता है predominantly male dominated ही है। क्योंकि मैं कहता हूँ ये जो ये महफिल है या मजलिस है, मुकद्दस दिन है हमारे लिए, जिसको हम सारे इकट्ठे होके पयातिक मील तक ले जा रहे हैं। आज आलमी यूम ख्वातीन मनाया जा रहा है, जिसमें जोक दर जोक हमारी मस्तूरात इकट्ठी हुई हैं और हमें भी इतना इश्तियाक है कि हम भी पूरा खुल के आपने आपका इजहार करें इनके सामने। तो मैं हमारे 15 एक्ट हैं ऐसे जो औरतों के लिए बने हैं, और ये ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तफादा लें और अपने हकूक सरसब्ज करने के लिए जहाँ भी इनको अंदल तलब, जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़े वहाँ ये जाके अपने हकूक की मतलब अदायगी हासिल करने के लिए जा सकती हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने सबको ये आज पैगाम दिया है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूँगा कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की जान, नारी से ही पैदा हुए राम कृष्ण भगवान जी। लीगल एड सर्विस तो हमेशा ही औरत के लिए पहले नंबर पे आती है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में सेक्शन 12 में पहले नंबर पे आती है, जिसको लीगल एड जो है बिल्कुल मुफ्त है, चाहे वो कोई भी औरत हो, चाहे वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो। तो हम तो है ही, लेकिन बात है इम्प्लीमेंटेशन की और आवाज़ उठाने की, अवेयरनेस। कोरोना वायरस का भय लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जम्मू में इस वायरस को लेकर दो संदिग्धों का पता चलने के साथ ही जिला जम्मू तथा सांबा आदि के प्राइमरी स्कूल आगामी 31 मार्च तक बंद किए जाने की खबर को लेकर कटड़ा में स्थानीय प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पूरे तरीके से सतर्क हो गया। वहीं सभी तरह के उचित उपाय निरंतर जारी है, जिसको लेकर शनिवार को आधार शिविर कटड़ा में एक और जहां नपा अध्यक्ष विमल इंदु के साथ ही नपा के अधिकारियों ने सभी सफाई कर्मचारियों अधिकारियों को मास्क के साथ ही दस्ताने आदि वितरित किए। दूसरी ओर नगर कटड़ा के मुख्य बाजार के साथ ही मुख्य बस स्टैंड, बाण गंगा मार्ग, जम्मू मार्ग, उधम मार्ग, काउंटर नंबर 2, अंतर्राज्य बस अड्डे आदि स्थानों पर फॉगिंग की गई है। नगर में साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक और जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थानीय प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों तथा विभागों के साथ मिलकर नगर वासियों के साथ देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है और विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं कि वह किस तरह के इस वायरस से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। आज जो हमने मास्क और ग्लोव बांटे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैडम की तरफ से हमें हिदायत थी कि पूरा कटरा को साफ सुथरा साफ बनाए के रखें। हमने अपने जितने सफाई कर्मचारी हैं, पहला हमने इनसे शुरू किया, हमने इनको अवेयर किया कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से जो हमें हिदायतें आई हैं कि 7-8 बार हाथ धोने हैं, और हमने कैसे कैसे हाथ धोने हैं ये हमको इनको बता दिया है, और उनको बोला है कि 24 आवर आप मास्क और ग्लोव डालकर रखें। जब भी चाहे सफाई करेंगे, अपना मास्क और ग्लोव डालकर सफाई करेंगे, ऐसे जो कोई सफाई नहीं करेगा। अगर कोई सफाई मास्क और ग्लोव बगैर पहन कर करेगा, हम उसको जुर्माना करेंगे। और हमने कटरा में अवेयरनेस कैंप लगाया है कि पूरा कटरा में फॉगिंग कर रहे हैं हम, डोर टू डोर, गली मोहल्ले हर चीज़ में फॉगिंग कर रहे हैं कि ये कहाँ फॉगिंग 15-20 दिन कंटिन्यू रहेगी, जो है जर्म्स वगैरह वो सब खत्म करने के लिए। और हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अपना अपना जो कूड़ा करकट गंदगी है वो पैक करके रखें, ओपन मत रखें। हमारे सफाई कर्मचारी हमारे दूसरे पाथे वाले आकर सुबह उठा कर ले जाएंगे, उसको दोबारा ऐसे नहीं फैलाएं जिससे संक्रमण फैलने का डर है। बिल्कुल, श्राइन बोर्ड प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है। श्राइन बोर्ड ने जत्रा पर्ची काउंटर पर भी अवेयरनेस ऐसे लगाया है, और पुलिस वाले स्टेशन पर हर यात्री को चेक कर रहे हैं। हम भी अपने कार्यकर्ता सबको बोल रहे हैं कि वो पूरी चेकिंग करें, कोई यात्री कोई बीमार रहता है उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में पहुँचाएँ, उसका चेकअप कराएँ, फिर उसको आगे जाएँ।